अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस लेसन में हम आपको करवाएंगे 54 इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ इंग्लिश का कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी हेल्प से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको इंग्लिश सेंटेंसेज की प्रैक्टिस भी करवाएँगे और साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी सिखाएँगे। तो अगर आप हमारे साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। आज के इस लेसन में हम 54 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और उनको लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन, लेट्स बिगन। ये तुम पर है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। यहाँ पे हम इट इज को शॉर्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इसको हम इट्स बोलेंगे, इट्स अप टू यू। मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, आई बी राइट बैक। यहाँ पे हम आई विल को कंट्रैक्ट करेंगे और इसको हम आई बोलेंगे, आई बी राइट बैक। मुझे इसकी याद दिला देना, रिमाइंड मी ऑफ इट, रिमाइंड मी ऑफ इट। रिमाइंड मी का मतलब मुझे याद दिला देना। यहाँ बाहर आओ, कम आउट हियर, कम आउट हियर। ये ग्लास झूठा है, मतलब कि पहले से किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है। दिस इज अ यूज्ड ग्लास, दिस इज अ यूज्ड ग्लास। मैं शर्मा रहा हूँ, आई एम ब्लशिंग, आई एम ब्लशिंग। मेरा हाथ पकड़ो, टेक माई हैंड, टेक माई हैंड। इत्मीनान रखो, रेस्ट अशोर्ड, रेस्ट अशोर्ड। ये लिखा हुआ था, इट वॉज रिटन, इट वॉज रिटन। मेरी गोद में बैठो, सिट ऑन माई लैप, सिट ऑन माई लैप। ये कहो, से इट, से इट। ये बहुत दूर है, इट्स क्वाइट फार, इट्स क्वाइट फार। एक नज़र देख लो, हैव अ लुक, हैव अ लुक। खिसक जाओ, स्कूट ओवर, स्कूट ओवर। मुझे बुला लेना, कॉल मी अप, कॉल मी अप। मुझे उतार देना, ड्रॉप मी ऑफ, ड्रॉप मी ऑफ। किस तरह से, इन व्हाट वे, इन व्हाट वे। ये नहीं हो सकता, इट कॉन्ट बी, इट कॉन्ट बी। चले जाओ, गो अवे, गो अवे। बैठ जाओ, ग्रैब अ सीट, ग्रैब अ सीट, या फिर हैव अ सीट। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी आउट, लेट मी आउट। जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, एज वी नो। फोन करना, गिव अ रिंग, गिव अ रिंग। खुद को तैयार करो, गियर अप, गियर अप। इसे आसान कर दो, मेक इट ईजी, मेक इट ईजी। दिमाग खराब मत करो, डोंट बग मी, डोंट बग मी। ज़रा हाथ लगाना, लेंड मी अ हैंड, लेंड मी अ हैंड, मतलब कि मेरी मदद करना। मुझे लेने दो, लेट मी टेक, लेट मी टेक। मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया, आई हैव एन आइडिया। मेरा हिसाब चुका दो, क्लियर माई अकाउंट्स, क्लियर माई अकाउंट्स। मुझे मत देखो, डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट मी। हम मजबूर हैं, वी आर कंपेल्ड, वी आर कंपेल्ड। मजाक के अलावा, जोक्स अपार्ट, जोक्स अपार्ट। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, आई वॉन्ट स्पेयर यू, आई वॉन्ट स्पेयर यू। उसे फोन करो, रिंग हिम अप, रिंग हिम अप। मैं ये खुद करूंगा, आई डू इट माई सेल्फ, आई डू इट माई सेल्फ। यहाँ पे भी हम आई विल को शॉर्ट करेंगे और इसको हम आई बोलेंगे, आई डू इट माई सेल्फ। दोस्तों, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका प्रोनंसिएशन एक्सेंट बेहतर होता जाता है। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी, लीव इट टू मी। मैं गिरते गिरते बचा, आई एस्केप्ड फॉलिंग, आई एस्केप्ड फॉलिंग। सब झूठ बोलते हैं, एवरीवन टेल्स अ लाई, एवरीवन टेल्स अ लाई। मुझे परेशान मत करो, डोंट अनॉय मी, डोंट अनॉय मी। उसे तसल्ली दो, कंसोल हिम, कंसोल हिम। समझो ये हो गया, कंसीडर इट डन,
कंसीडर इट डन। थोड़ा सो लो, गेट सम स्लीप, गेट सम स्लीप। तुम्हें देर हो रही है, यू आर गेटिंग लेट, यू आर गेटिंग लेट। काम की बात करो, गेट टू द पॉइंट या फिर कम टू द पॉइंट। गेट टू द पॉइंट या फिर आप कम टू द पॉइंट का यूज भी कर सकते हैं। मैं आसपास था, आई वॉज अराउंड, आई वॉज अराउंड। मुझे घूरना बंद करो, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। मेरी बगल में बैठो, सिट बिसाइड्स मी, सिट बिसाइड्स मी। बिसाइड का मतलब बगल में, सिट बिसाइड्स मी। मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, आई विल टॉक टू यू। इसे करवा दो, गेट इट डन, गेट इट डन। ये जगह छोड़ दो, लीव दिस प्लेस, लीव दिस प्लेस। ये चर्चा में है, इट्स इन टॉक, इट्स इन टॉक। दबे पाँव चलो, वॉक ऑन द टिप टो, वॉक ऑन द टिप टो। इसको हम टिप टो पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है दबे पाँव चलना, वॉक ऑन द टिप टो। मुझे याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर।